बनाने जा रहे हैं मछली फ्राई। तो इसके लिए हमने ये कटा हुआ धनिया लिया है, हरी मिर्ची है, लहसुन है और ये कच्चा नारियल है और थोड़ी सी काली मिर्च है जिसे हम पीस लेंगे। देखिए ये रहा हमारा मसाला, हमने जो ग्राइंड कर लिया है ये मसाले पीस चुके हैं। अब इसको हम इसमें मछली में ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, नमक ले लेंगे टेस्ट के हिसाब से अपने, ये रहा कॉर्नफ्लोर एक चम्मच और एक नींबू का रस डाल देंगे इसको। मछली का अच्छा सा कलर आएगा इसमें, खाने का ये जो कलर है ये डालेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। सारे मसाले इसमें कवर हो चुके हैं मछली के ऊपर। ये हमने रोहू मछली लिया है, आप कोई भी मछली ले सकते हैं। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे, आप जब भी चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या 2-3 घंटे रखें या आधा घंटा रखें या फौरन ही फ्राई कर लें। आप जब चाहे इसे तल सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं। मछली अब फ्राई करने के लिए या तलने के लिए रेडी है। तो हमने 1 घंटा हो गया है फ्रिज से हम निकाल लिए इसको, अब इसको तवे पे तल लेंगे। अभी हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी ये गर्म हो चुका है, अब एक एक करके हम इस पे ये मछली है इसे रखते जाएंगे। सारी मछलियाँ तवे पे जा चुकी हैं, अब इसको धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे। ये सारी मछलियाँ जो है एक साइड से हो चुकी हैं, अब इसको हम पलट लेंगे। फिर देखिए एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, अब दूसरी साइड से भी इसे कर लेंगे लो फ्लेम पे। हमारी अब मछलियाँ हो गई हैं, रेडी हो चुकी हैं। इसको पकाने में 15 मिनट लगा होगा। देखिए सही हो गया है, चारों तरफ से सिक चुके हैं ये, बीच बीच में से आप पलटते ही रहिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक डिश में, ये रेडी है। देखिए इसकी हमने प्लेटिंग कर ली है और जीरा राइस के साथ सर्व किया है।